ये दिख रहा है, ये स्कैम हो गया, सीधा आके ठोक दी। बाबा लोग, नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माइंड योर चैनल एडोलिक ब्लॉग्स। वैसे तो बीदर से स्टार्ट करने वाला था, पर ये बीदर नहीं है और बीदर में बारिश खतरनाक था, तो सोचा अब बीदर में निकलना ही मुश्किल हो गया था। बारिश का तो छोड़ दो, फिर ये सीन भी ऐसा गाड़ी को बांधा ना, पूरा हर जगह प्लास्टिक, ये इसके पीछे प्लास्टिक, इसको दिखेगा। ये देखो बॉटल भी दे दिया बड़ा वाला। स्वीट हार्ट होटल के सामने रुका अभी इधर से। वैसे तो ट्रिप के लिए निकला है बेंगलुरु के लिए निकला है सवारी, क्या है ना, ज़्यादा पब्लिक में फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है तो ज़बान लड़खड़ा जाता है संभाल लेने का, उसको आप लोग है ना संभालने को। तो इधर से अभी करनूल जाऊँगा। अब करनूल मैप अलग अलग ही बता रहा है मेरे को। वैसे तो अनंतपुर और रायचूर वो सब रोड नहीं पकड़ना है, लास्ट टाइम देखा मैं, तो इसीलिए वो रोड तो नहीं पकड़ूंगा। अभी करनूल का बता रहा है, करनूल से फिर चित्रदुर्गा के आउटस्कर्ट से बेंगलुरु पहुँचूँगा, तुमकुर वो सब रूट है, पता नहीं अब कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। अब तक तो मोटो ब्लॉग कर नहीं पाया, ये जैकेट भी कल ही लिया मैं, हैदराबाद आके लेके गया, पर क्या है अभी यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ वहाँ एल्बो गार्ड से वो सब रहता है ना, चुभ रहे हो। अब मेरे को लगा कुछ गलत है, नहीं ऐसे ही होता है, वो यूज़ टू होने में टाइम लगता है। तो अभी यहाँ से निकलूँगा, चाय वाय पिया, मोस्टली डिनर का तो हालत स्किप है, अभी फट हेलमेट पहन के निकलूँगा और आपको मोटो ब्लॉग में मिलूँगा। आज का दिन कहाँ है, रात को शुरुआत किया ब्लॉगिंग का, वो भी हैदराबाद से। हैदराबाद आ ही गया, स्वीट हार्ट से एक 20 किलोमीटर है हैदराबाद। वैसे फिर मोटो ब्लॉग में फिस, बाप रे बाप, बाबा लोग इधर इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना मेरे को स्वीट हार्ट के सामने। कुछ नहीं तो मैं 9:20 को आया था इधर और मैं निकल रहा हूँ 10 बजे। एक तो मेरे को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हॉटस्पॉट शेयर नहीं हो रहा था, और हॉटस्पॉट शेयर हुआ तो जो रास्ता चाहिए था वो रास्ता नहीं बता रहा, बताओ सीधा रायचूर का ही रोड बता रहा था, तो साला मैं हैदराबाद क्यों आता भाई, रायचूर से ही अगर जाना था मेरे को, वही फालतू रोड था जो लास्ट टाइम मैं बेंगलुरु से आया था। माँ गलीज रोड है ना, उसको हाईवे कहीं से नहीं बोल सकते, एकदम ही हाईवे नहीं है वो। तो अभी मिला वो अवॉइड टोल रोड्स रहता है ना, तो वो ऑफ किया, तो फिर तब जाके दिखाया ये टोल रोड्स अवॉइड करके, ना सॉरी अवॉइड नहीं करना है बोले तो, तब करनूल का दिखाया, करनूल से चित्रदुर्गा के आउटस्कर्ट जो आपको बताया, तो वही रोड से जा रहा हूँ अभी। आपको अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, जो दिखेगा जब दिखेगा तब बुला लूँगा। बॉय सॉरी, आपको अपडेट बताना भूल गया, यहाँ ऑलरेडी मेरा ट्रैवलिंग तभी स्टार्ट हो चुका है, 104 किलोमीटर हो गया, स्टिल 686 किलोमीटर्स टू गो, 13 आवर्स 30 मिनट्स, ऐसा गूगल माता बता रहे हैं। अभी जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था ना स्वीट हार्ट पे, तो आपको स्टार्टिंग में लगा होगा ये कैसा चेहरा बनाया यार, पूरा सुस्त दिख रहा है, तो वो हो गया था वैसा, वाइजर खोल के चला रहा था, पूरा मुंह भर में धूल घुसा, सॉरी फॉर दैट टू। रात के 12:30 बजे से तो ऐसा लग रहा है ना, वक्त मेरे लिए रुक ही गया। इधर मैं आ रहा था, देखो क्या तो 100-110 के स्पीड पे आ रहा था करनूल के आसपास, सडनली पता नहीं खट से आवाज़ आया, ये दिख रहा है, ये स्कैम हो गया। अब क्लच वायर तो टूट चुका था ऑन द वे, अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते, उसको रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, क्लच वायर टूट गया उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो अब पता था गाड़ी कहाँ ना कहाँ तो रुकेगा, क्योंकि गियर तो बदलने से रहे, अब 6th गियर पे गाड़ी था, 110 स्पीड था, सोचा यहाँ वहाँ रुकाने से अच्छा पेट्रोल पंप कोई दिख जाए तो उसके पास रोक लें, तो पेट्रोल पंप दिखाए, पेट्रोल पंप के पास रुका, दिखा देता हूँ पेट्रोल पंप, चाय की दुकान से शेयर जो है रात को ही उधारी ले लिया था, और पेट्रोल पंप वाले से पूछा भाई कोई गैरेज मैकेनिक है तो जुगाड़ कर ले, तो बोला नहीं भाई सुबह 10:30 बजे तक तो कुछ नहीं होने वाला, संडे भी है भरोसा नहीं है, तो गूगल पे रोड साइड असिस्टेंस देखा, रोड साइड असिस्टेंस मिला, तो बोला 700 चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर सुबह 8 बजे से पहले स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, क्लच केबल बदलना पड़ेगा। बोला ठीक है फिर सुबह ही काम करते हैं, आपको क्यों डिस्टर्ब करना,
क्या बोल रहा था, हाँ सुबह सुबह ही कॉल करते हैं, 12:30 बजे कुछ रुका था, ऐसे ही हालत में सोया हूँ, ये चेयर डाल के इधर ऐसा मुंडी रखे, ऐसा पागल के जैसे ऐसे ही सोया पड़ा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:00 बज रहा है। अब आपको सीधा अपडेट, वो कोई रिपेयर करने वाला आएगा तभी दे दूँगा, अभी वैसे आप देखोगे भी क्या गाड़ी पे मिलेंगे, या फिर वो आएगा मैकेनिक तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इधर से हैदराबाद 95 किलोमीटर पर गाड़ी ही चालू नहीं हो रहा, ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता। चलो बाबा लोग, जैसे तैसे रात गुजरा, दिन शुरुआत हुआ, सुबह का 8:00 बज रहा है। मेरे को लगा था 10:30-11:00 बजे आएगा कोई मैकेनिक, पर भाई महाकाल जब तक साथ है किसी का कोई क्या बिगाड़ पाया। उधर वो बंदे ने बहुत मदद किया अंकल ने, तो उन्होंने मैकेनिक बुलाया, बेचारा मैकेनिक भी बहुत जल्दी काम किया, उसको लग रहा था शायद गड़बड़ी में हूँ। और एक बात क्या है बाबा लोग, आपको बता देता हूँ, आप लोग कभी ऐसा रिस्क लेने मत जाओ, आपका गाड़ी अगर 1-2 साल पुराना हो गया तो क्लच केबल ब्रेक पैड्स वो सब बदलवा लिया करो। अभी तो देखो 550 किलोमीटर या 500 किलोमीटर बचा है, पहुँचेंगे, रात हो ही जाएगा। बाबा लोग 645 किलोमीटर्स डन, 646 मोर 45 टू गो। फाइनली जैसे तैसे मशक्कत मुश्किल डिहाइड्रेशन ये वो रात का वो सीन सब हो ख़त्म हो के बेंगलोर एंटर करने जा रहा हूँ। 25 किलोमीटर में बेंगलोर एंटर कर लूँगा और 25 किलोमीटर में फ्लैट पहुँच के सो जाएंगे, सो नहीं जाऊँगा, पहले जैकेट ही धोने डालना पड़ेगा, उतना पसीना तो जैकेट नहीं छोड़ लिया भाई। अनंतपुर में तो हाहाकार मचा हुआ था गर्मी का, बाप रे, डिहाइड्रेशन हो के मेरे को उधर 25-30 मिनट बैठना पड़ा, ऐसा हालत हुआ। देखो प्लेन लैंड हो रहा है, कहाँ पे लैंड हो रहा है, एयरपोर्ट है, मेरे को नहीं पता था एयरपोर्ट है। अच्छा केम्पेगौड़ा इधर ही है क्या, पता यार किधर है, अपन तो कभी गया नहीं, अपन को मालूम भी नहीं कौन सा एयरपोर्ट है, पता नहीं, पर प्लेन लैंड ज़रूर हो रहा है। अभी जो टोल गेट दिखा ना वो कैंपे, टोल गेट बोल रहा हूँ, अभी जो एरोप्लेन लैंड हो रहा था ना वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही लैंड हो रहा था, क्योंकि अभी मैं यलंका में हूँ। अरे ये पब में क्या भरे पड़े हैं यार लोग, साला महा, उसको गाली देना चाहिए पब को, ऐसा फालतू जगह है ना वो, हमारे बीदर में अच्छे जगह मिल जाते हैं उससे, बेंगलुरु एकर। क्या लोग है यार, सिग्नल क्रॉस कर रहा मैं, फ्री लेफ्ट ले रहा, लड़की आंटी को बिठा के क्या पता किसको देख रही थी, क्या देख रही थी, सीधा आके ठोक दी। मैं ठहरा हूँ रोड पे, ठहरा हूँ, मूविंग भी नहीं था, सीधा के डाल दिए क्या अब, और उल्टा मेरे को ही पूछ रहे हैं अब किसका गलती है। मैं बोला जान दो, मेरे को पहुंचना है। अच्छा हुआ भाई घेर पहना था, नहीं तो हाथ छिल जाता मेरा। जैसे तैसे ख़त्म हो गया, राइड ख़त्म हुआ एग्जैक्टली आपको किलोमीटर्स बताता हूँ,
699 समथिंग हुआ, 700 किलोमीटर एक्जैक्टली पकड़ के चलो आप तो। और एक बात, तो थंबनेल झूठ जा रहा बोल के समझने का ही नहीं, क्योंकि क्या है, थंबनेल भी करेक्ट है, मेरा एक्सीडेंट भी हुआ और रात भर स्टे भी करना पड़ा। वही बात है कि एक्सीडेंट का जो हुआ तब गोप्रो ऑफ था, नहीं तो भाई थंबनेल दूसरा क्यों रखता, जब एक्सीडेंट होता और रिकॉर्ड हो जाता थंबनेल दूसरा क्यों रखता। और एक बात भाई, एक्चुअली बेंगलुरु आके मेरे को 4-5 दिन के ऊपर हो गया, वो तो लास्ट का ये जो आउटरो पार्ट रहता है वो बनाना भूल के गया, तरह बिजी था ना, दोस्त के फ्लैट पे रुका, फिर उधर ओनर के लफड़े हुए, पीजी में शिफ्ट हुआ, सामान शिफ्ट करना पड़ा। पैंडा को दिखाता हूँ उनको कहाँ ठहरा, दिख रही है सफ़ेद सी चमकती हुई, वही अपना पैंडा। अभी बूंदे भी गिर रहा है इधर, बारिश का सीन इधर हमेशा बनते ही रहता है। अब थोड़े बहुत 1-2-3 हफ्ते के लिए बेंगलुरु के ही वीडियो आएंगे, क्या आएंगे पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, राइड का भी आ सकते, कुछ भी आ सकते। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाफिंग, पीस आउट, थॉर महादेव।